नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। आज मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ जो कि हम लोगों को आती है, हम में से अक्सर सभी लोगों को आती है कि जब भी हम रणथंभौर वाइल्ड लाइफ सफारी की टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं तो हमको अलग अलग लोग मिलते हैं अलग अलग विचारधारा के साथ। कोई बोलता है कि हम उस एजेंट से करवा देंगे, कोई होटल वाले बोलते हैं कि हम इतने रुपये में करवा देंगे, लेकिन हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं पड़ पाती कि कहाँ से एग्जैक्टली बुकिंग होती है, कितने रुपये का चार्जेस होते हैं। तो आज हम आपको सारी चीज़ें बताने वाले हैं। अभी जिस स्पॉट पर हम खड़े हैं, ये रणथंभौर वाइल्ड लाइफ सफारी का मेन ऑफिस है जहाँ से एक्चुअल में टिकट मिलते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ और ऑनलाइन टिकट कैसे बुक करते हैं पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर समझाऊंगा, कैसे बुक करेंगे, कितने रुपए का चार्ज लगेगा, हर एक चीज़ डिटेल में समझाऊंगा। तो इस वीडियो के साथ पूरी तरह बने रहिए ताकि आपको कभी इन फ्यूचर इस तरह की प्रॉब्लम न आए। और वीडियो के अंत में हम सीनियर गाइड कम्युनिटी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस जोन में टाइगर दिखने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। रणथंभौर वाइल्ड लाइफ सफारी का टिकट बुक करने के लिए आपको अपने मोबाइल कंप्यूटर या लैपटॉप में इस वेबसाइट को ओपन करना है। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ऑफिशियल साइट है जहां से आप टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्रोम ब्राउज़र में डेस्कटॉप साइट का इस्तेमाल करें। साइट ओपन होने के बाद आपको कुछ इस तरह की नज़र आएगी। यहाँ ऊपर की तरफ आपको SSO लॉगिन करके एक टैब नज़र आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर अगर आपके पास SSO ID है तो आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर रजिस्टर के बटन पर क्लिक करके आप SSO ID क्रिएट कर सकते हैं और फिर लॉगिन कर सकते हैं। SSO ID क्रिएट करना बहुत ही आसान है। कुछ जनरल डिटेल्स के साथ आप SSO ID बना सकते हैं और यहां पर लॉगिन कर सकते हैं। SSO ID से लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर साइड में आपको ब्लू कलर के लिंक्स दिखाई देंगे जिसमें कि जो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म परमिशन एप्लीकेशन है, ये जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है और आपके सामने कुछ और ऑप्शंस यहाँ पर खुल जाएंगे। देखिए, यहाँ पर एडवांस वाइल्ड लाइफ परमिट बुकिंग के लिए ऑप्शन है, यहाँ पर तत्काल के लिए बुकिंग है, फुल डे, हाफ डे, सब के ऑप्शंस यहाँ पर हैं। आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, एडवांस वाइल्ड लाइफ परमिट बुकिंग पर, और यहाँ पर एक फॉर्म खुल जाएगा आपके सामने। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले सेलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और रणथंभौर नेशनल पार्क सवाई माधोपुर को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे जाइए। यहाँ पर आपको जोन कौन सा चाहिए, 1 to 10 जोन में कौन सा जोन आपको चाहिए, वो आपको जोन सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर जोन नंबर 3 कर लिया है। इसके बाद आपको डेट ऑफ विजिट के ऑप्शन पर जाना है कि किस डेट पर आपको बुकिंग करानी है। उस डेट के लिए आपको यहाँ पर डेट सेलेक्ट करनी होगी। किसी भी डेट का आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, किसी भी टाइप का आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर मैं 1 February को सेलेक्ट कर रहा हूं, तो यहां पर देखिए 1 February 2022 यहां पर लिखा हुआ आ चुका है। आप कभी कभी बुक कर सकते हैं। फिर यहां पर शिफ्ट आपको मॉर्निंग चाहिए या इवनिंग चाहिए, दो सफारी होती है, इवनिंग और मॉर्निंग, तो यहां पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूं मॉर्निंग सफारी के लिए। और यहां पर आपको जिप्सी चाहिए या कैंटर चाहिए, वो भी आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। तो यहां पर आप जो भी सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। मैं यहां पर कैंटर सेलेक्ट कर रहा हूं। इसके बाद आपको नीचे दिए गए कैप्शन को यहाँ पर फिल करना है और चेक परमिट अवेलेबिलिटी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप चेक परमिट अवेलेबिलिटी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको करेंटली अवेलेबल सीट्स नज़र आ जाएंगी कि कितनी सीट्स वेकेंट हैं, कितनी खाली हैं। और उसके बाद यहाँ पर नीचे की ओर आप जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक और फॉर्म नज़र आएगा जहाँ पर आपको अपनी जनरल डिटेल्स डालनी होगी, जैसे कि आपका नाम, आपका जेंडर, आपकी नेशनलिटी, आपका जो ID कार्ड आप यहाँ पर सबमिट करने वाले हैं। जैसे कि ID कार्ड में भी यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जो भी चाहें आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसका फिर आपको यहाँ पर ID नंबर भी यहाँ पर एंटर करना होता है। इसी तरह से आप यहाँ पर बाकी लोगों की भी जनरल डिटेल्स डाल के उनकी एंट्री फिलअप कर सकते हैं। सारी एंट्रीज फिल करने के बाद आपको यहाँ नीचे स्क्रोल करना होता है, जो कैप्शन है उसको इनपुट के अंदर फीड करना होता है। और फिर यहाँ पर एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है कि सारी जिम्मेदारी आपकी है, उसके ऊपर आपको एग्री करना होता है। यहाँ पर आप इस फॉर्म को पढ़ सकते हैं, इसमें जनरल जानकारी के बारे में लिखा हुआ है। और फिर यहां पर आपको सबमिट पर क्लिक करना होता है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको टोटल पेमेंट जोड़कर दिखा दी जाती है, सारी चीजों के जितने भी चार्जेस हैं यहां पर शो करे हुए हैं, और टोटल चार्ज हैं 713। ये आज की डेट के चार्जेस हैं, कल कुछ और हो सकते हैं या कल कुछ और थे, इट इज नॉट कन्फाइंड, बट यहां पर जो चार्जेस हैं वो चेंज हो सकते हैं। लेकिन जो भी करंट चार्जेस हैं वो यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आकर आपको पता
क्या लगेंगे। फिर यहाँ पर नीचे आइए, देखिए टोटल अमाउंट लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको ये कैप्शन जो है इसको फीड करना होगा और फिर यहाँ पर पे नाउ का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना होगा। देखिए कैप्शन फीड कर दिया है मैंने यहाँ पर, अब यहाँ पर पे नाउ के ऑप्शन पर मैंने जैसे ही क्लिक करा ये मुझे यहाँ पर रिडायरेक्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पर रिडायरेक्ट हो रहे हैं हम दूसरी वेबसाइट पर जहाँ से हम यहाँ का जो चार्ज है उसको पे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऊपर जो चार्ज है 719 रुपीज़ यहाँ पर आ चुका है कुछ एडिशनल चार्जेस जोड़ते हुए। और फिर जब हम पे कर देंगे तो यहाँ पर हमारे सामने एक PDF के फॉर्म में जो टिकट है वो हमारे सामने आ जाएगा जिसमें सारी डिटेल्स वगैरह लिखी होती हैं। यहाँ पर सारी जानकारी है कि आपकी शिफ्ट इवनिंग है, मॉर्निंग है और जो शिफ्ट के टाइमिंग है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करी हुई नज़र आएगी। दोस्तों ऑनलाइन टिकट बुक करने के बाद आपको शिल्पग्राम आना पड़ता है। शिल्पग्राम एक स्थान है जो कि सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 5.5 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर आप किसी भी कैब से किसी भी ऑटो से आ सकते हैं। ये रणथंबोर फोर्ट जाने वाले मार्ग पर स्थित है। आपको सिर्फ सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से यहाँ आना होता है, अपना ऑनलाइन टिकट यहाँ पर शो करना होता है। जो भी आपके पास PDF है ऑनलाइन टिकट का वो यहाँ पर विंडो पर आपको शो करना पड़ता है। अभी विंडो ऑफ है, सुबह का टाइम है। अभी जब जैसे ऑन होगा मैं आपको ये सीन दिखाऊंगा कि कैसे लिया जाता है टिकट। वैसे यहाँ पर ऑनलाइन आप ले आइए और फिर आपको वो प्रिंट कॉपी आपके टिकट का निकाल कर दे देंगे। तो यहाँ पर हमने अपना ऑनलाइन टिकट दिखाकर इस तरह से टिकट ले लिया है। यहाँ पर काउंटर पे इस तरह से टिकट मिलता है तो उसपे एक तरह से कंफर्मेशन टिकट है। दोस्तों यहाँ पर इस तरह से माइक लगाया गया है। यहाँ पर माइक में कैंटर का नंबर बोलना होता है और उसके बाद कैंटर के ड्राइवर और गाइड साहब आते हैं और वो हमको कैंटर तक लेके जाते हैं। कैंटर 2256। नमस्कार जी, RS योगी, मैं नेचर गाइड हूँ। ओके सर, बोलो क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको? सर मतलब कितने चांसेस होते हैं टाइगर देखने के? देखो टाइगर चांसेस एक तो वाइल्ड लाइफ है, इसमें कोई गारंटी तो नहीं, चांस होता है। ज़्यादा चांसेस होते हैं वाटर पॉइंटों के आसपास होता है टाइगर। वैसे टाइगर जोन नंबर 3 में एक वाटर पॉइंट है जी, तो वहाँ पानी पीने जंगली जानवर आते हैं। टाइगर वाटर पॉइंट इस समय नॉट, वी आर टॉकिंग अबाउट अदर एनिमल्स आल्सो। देखिए टाइगर हमेशा ज्यादातर वाटर पॉइंट के आसपास कूल एरिया रहता हूँ, वहाँ लाइक करता रहना। और ये जो एरिया है रणथंबोर फोर्ट के आसपास का जो एरिया है 400 स्क्वायर किलोमीटर का, इस एरिया में मैक्सिमम टाइगर्स रहते हैं और इसी एरिया में मैक्सिमम मानवीय गतिविधियाँ रहती है। उसके बावजूद भी यहाँ डेंसिटी ऑफ द टाइगर्स ज़्यादा है। इसका कारण यही है कि ये एक तो एरिया बढ़िया है, दूसरा टाइगर भी अपने आप को सुरक्षित मानते हैं और दूसरी ग्रेजिंग वगैरह नहीं है इस तरफ पे। शिल्पग्राम ही वो मेन स्पॉट है जहाँ से आपको अपनी अलॉटेड कैंटर या जिप्सी मिलती है जिससे आप जाते हैं वाइल्ड लाइफ सफारी के लिए। हमें भी अपना अलॉटेड कैंटर यहीं से मिला जिससे हम गए रणथंबोर नेशनल पार्क में। रणथंबोर वाइल्ड लाइफ सफारी के ऊपर हमने एक सेपरेट डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसे देखने के बाद आप वाइल्ड लाइफ सफारी को पूरी तरह एंजॉय कर सकेंगे और उससे जुड़ी जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें।